आने वाले दिनों में फराजुल इस्लाम साहब जब आपके सामने एमएलए के लिए ठहरेंगे, आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे मिलकर। आप लोग ये मत सोचिए कि फराजुल इस्लाम जीतने के बाद मैं हट जाऊंगी, मैं भी आप लोगों के साथ, जब भी मैं आप लोगों के साथ हूँ और इंशाल्लाह हमेशा रहूंगी आप लोगों के साथ तब तक मेरी जिंदगी है। और मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस तरह आप लोगों ने इस बार भी मुझे इतनी मेहनत करके और अपनी दुआओं के साथ मुझे वोट दिया और मुझे जिताया है, आने वाले दिनों में फराजुल इस्लाम साहब जब आपके सामने एमएलए के लिए ठहरेंगे, आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे मिलकर। आप लोग ये मत सोचिए कि फराजुल इस्लाम जीतने के बाद मैं हट जाऊंगी, मैं भी आप लोगों के साथ, जब भी मैं आप लोगों के साथ हूँ और इंशाल्लाह हमेशा रहूँगी आप लोगों के साथ तब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं आप लोगों का सपोर्ट करूँगी, आप लोगों के साथ होंगी। और मुझे खुशी है कि ये गुलबर्गा में फजल इस्लाम साहब ने जो यूनिटी बनाई थी उसको आप लोग हमेशा कायम रखते हैं और इतिहास से हमेशा एक वोट देते हैं, अपना इतिहास से अपने वोट को वो करते हैं, तो मुझे खुशी है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आप लोग इसी तरह से मुतहिद रहेंगे। इस बार भी आप लोग देखें कि कितना टफ इलेक्शन था, कई लोग हमारे खिलाफ हो गए थे, हमारे लोग ही, लेकिन अल्लाह के फजल से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की कोशिश से फिर भी मैं सेकेंड टाइम एमएलए बन के आई हूँ। ये आप लोगों की मेहरबानी है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हम लोग भी आपकी हर तकलीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के साथ रहेंगे।